गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हितेन मोदी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे अकाउंट के अंदर मैं आपको चैप्टर 7 में पार्ट 3 के जिसके अंदर इलस्ट्रेशन 7 आपको समझाऊंगा, जो है हमारा 3 कॉलमनर कैशबुक से रिलेटेड है। बच्चों ये हमारा पहले मैंने सिंपल कैशबुक करवाया था, 2 कॉलमनर कैशबुक करवाया था। 2 कॉलमनर कैशबुक के अंदर हमने आपको करवाया था डिस्काउंट एंड कैश। अब बाकी के से भी है, डिस्काउंट कैश हो या डिस्काउंट बैंक हो या कैश बैंक हो, मतलब 2 कॉलम ही बनाने होते हैं। जो डिस्काउंट कैश लिखा, डिस्काउंट बैंक के ट्रांजेक्शन लिखने होते हैं, और कैश बैंक में कैश और बैंक के। अब मैं आपको समझा रहा हूँ 3 कॉलमनर कैशबुक। 3 कॉलमनर कैशबुक मतलब डिस्काउंट कैश एंड बैंक तीनों 3 कॉलम हो, 3 कॉलमनर आ जाएगा, बाकी का सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 3 कॉलमनर कैशबुक। तो बच्चों 3 कॉलमनर कैशबुक के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। 3 कॉलमनर कैशबुक बात वही होती है जो कॉलम हमें बनाने होते हैं, डेट, रिसीप्ट, रिसीप्ट नंबर, एलएफ, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक अमाउंट रुपीज, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट रिसीप्ट, कैश अमाउंट रुपीज, बैंक अमाउंट रुपीज। जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कहा गया है फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री जमुना दास फॉर फर्स्ट फॉर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2015। पहले 15 दिन का श्री जमुना दास का हमें 3 कॉलमनर कैश बुक बनाना है। सो मैंने यहाँ लिख दिया कैश बुक ऑफ श्री जमुना दास फॉर फर्स्ट फॉर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2016, हेडिंग लगा दिया, कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, NEFT और RTGS से लगते। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS और NEFT के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक से रिलेटेड होते हैं, अप टू 2 लाख NEFT होता है, 2 लाख से मोर देन RTGS होता है। अब ये ट्रांजेक्शन जो हमें रिकॉर्ड करने हैं, अब इसमें एक सिंपल सा रूल्स याद रखना है। बैंक हमें जो करता है क्वेश्चन में, बैंक ने डेबिट किया है तो आप क्रेडिट में कर दो, बैंक ने क्रेडिट किया है तो आप डेबिट में कर दो, इस तरह से आप समझ सकते हो। या फिर इट कम्स इन टू डेबिटेड एंड गोज आउट टू क्रेडिटेड, जो भी दोनों रूल्स से आंसर आप सही से समझ सकते हो। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सबसे पहले अप्रैल 1 ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 एंड बैंक बैलेंस 8 लाख। सो मैं यहाँ डेबिट में लिखूंगा 2016 अप्रैल, वन टू बैलेंस बी और यानी ब्रॉड डाउन और कैश में 30,000 और बैंक कॉलम में है 8 लाख रुपीज। नाउ डेट 3, गुड्स ऑफ 3 लाख परचेज फ्रॉम नीलेश एट 2% कैश डिस्काउंट एंड अमाउंट पेड बाय RTGS, RTGS चार्जेस ₹30, बैंक हैज डेबिटेड। बैंक ने डेबिट किया है तो आपको क्रेडिट करना है, या फिर आप परचेस कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना है, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखना है। तो डेट 3 अप्रैल 1 परचेस अकाउंट स्टूडेंट कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अपने कैलकुलेटर में लिखिए आप 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2% 6,000 आएगा, जो डिस्काउंट रिसी के कॉलम में हम लिखेंगे, माइनस इक्वल टू प्रेस कीजिए। सो 3 लाख में से 6,000 जाएगा, सो 2,94,000 हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक कॉलम में। नाउ क्वेश्चन अराइज, सो बैंक कॉलम में क्यों लिखा, RTGS है इसलिए हमने बैंक कॉलम में लिखा। नाउ सेम डेट 3 के अंदर ही फिर बार RTGS चार्जेस अकाउंट
जो बैंक लिखी है तो बैंक कॉलम में ही होगा 30 रुपीज स्टूडेंट। डेट 5 गुड्स ऑफ 1 लाख सोल्ड टू राजेश ही हैज सेंट अमाउंट थ्रू NEFT बैंक हैज क्रेडिटेड। बैंक ने क्रेडिट किया है तो आप यहाँ डेबिट करोगे, या फिर दूसरा रास्ता आप गुड्स सोल्ड करते हो तो कम्स इन पैसे आते हैं, मनी कम्स इन सो डेबिटेड। सो डेबिट में हमें लिखना होता है डेट 5 टू सेल्स अकाउंट एंड हम यहाँ पर लिखेंगे आपने राजेश को 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया है, कैश डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे, सीधा बैंक में, क्योंकि NEFT है तो बैंक में ही सीधा एंट्री होगा हमारा बच्चों। नाउ डेट 6 गुड्स ऑफ 4 लाख सोल्ड टू महेश एट 10.2% कैश डिस्काउंट, ही हैज सेंड द अमाउंट थ्रू RTGS बैंक हैज क्रेडिटेड। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब आपको डेबिट करना है, या फिर दूसरा रास्ता आप गुड सोल्ड कर रहे हो तो रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे डेट 6 टू सेल्स अकाउंट और सबसे पहले बच्चों आप अपने कैलकुलेटर में 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% करो, आंसर आएगा 4,8,000 जो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट कॉलम में, फिर अपने कैलकुलेटर में माइनस इक्वल टू कर दीजिए तो 3,92,000 आएगा जो मैं बैंक कॉलम में लिखूंगा। इस तरीके से स्टूडेंट नाउ डेट 7 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 पेड थ्रू NEFT एंड NEFT चार्ज इनकॉट 3 रुपीज बैंक हैज डेबिटेड द अमाउंट इन अवर अकाउंट। अब आप पेड किया है तो पेमेंट साइड में आप लिखोगे डेट 7 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बैंक और में 10,000 अगेन डेट 7 बाय NEFT चार्जेस अकाउंट एंड NEFT चार्जेस से हमारा 3 रुपीज। नाउ अब डेट 10 में हमारा कैश सेल्स है 30,000 सेल्स करेंगे कैश कॉम सिंह सो डेबिट में लिखेंगे डेट 10 टू सेल्स अकाउंट और कैश कॉलम में 30,000 बच्चों इस तरीके से। नाउ डेट 11 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, बैंक में से आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए विड्रॉ किया मतलब ड्राइंग आएगा, अब बैंक से विड्रॉ किया बैंक इज पर्सन बैंक इज गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर बैंक इज गिवर सो हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में 11 बाय ड्राइंग अकाउंट ओके और कितना तो हम यहाँ पर 10,000 बैंक से ड्राइंग किया था आपने सो बैंक कॉलम में लिखेंगे 10,000। नाउ डेट 12 12,000 पेड टू रमेश टूवर्ड्स पेबल, पेड है पेड का मतलब पेमेंट साइड में आपको लिखना है और डेट 12 बाय रमेश काम और कैश कॉलम में 12,000। नाउ डेट 13 रमन हैज पेड 22,000 थ्रू NEFT टुवर्ड्स अवर रिसीवेबल अमाउंट
बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया तो आपको यहाँ डेबिट करना है, या फिर रमन ने पेड, रमन आपको पैसे चुका रहा है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन। सो डेबिट में आप लिखोगे 813 एंड इज गिवर, रमन इज गिवर, देयरफॉर टू रमन अकाउंट एंड एनी अपनी मतलब बैंक कॉलम में 22,000 रुपीज। नाउ डेट 14 रेंट पेड 5,000, पेड मतलब पेमेंट साइड में आप लिखोगे 14 बाय रेंट अकाउंट, और यहां पर कैश वाले कॉलम में 5,000। नाउ डेट 15 बैंक हैज क्रेडिटेड 3,000 ऑफ डिविडेंड, बैंक ने क्रेडिट किया है तो आप डेबिट में लिख दो, डिविडेंड आपका रिसीव्ड है, रिसीव्ड है, इनकम है इसके 15 to dividend account और bank column के अंदर 3,000। Now student, all transactions are over, so सबसे पहले मैं debit में discount column की total करनी होती है बच्चों। और 8,000 डिस्काउंट कॉलम के बैलेंस नहीं निकालते, हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल ही करनी है। इसका 6,000 कैश कॉलम की टोटल बैलेंस निकालनी होती है, 40,000 प्लस 30,000 60,000। इसी 60,000 को हम यहां लिखेंगे और उसके अंदर से हम यहां पर जो सारी अमाउंट है हमारी वो माइनस कर देंगे। अब इसमें स्टूडेंट एक ट्रांजेक्शन रह गया है, सॉरी डेट 9 वाला ट्रांजेक्शन। डेट 9 सैलरी ऑफ 15,000 पेड इन कैश, 15,000 सैलरी कैश में पे किया है डेट 9। डेट 9 के ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, डेट 9 सो बाय मिस्टेक मेरे से रह गया है। डेट 9 सैलरी 15,000 पेड, सो सैलरी 15,000 पेड मतलब पेमेंट साइड में आपको लिखना होता है। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि डेट 9 बाय सैलरी अकाउंट पेड है मतलब पेमेंट साइड में, और कैश पेमेंट है यानी कि यहां कैश कॉलम में। सो डेट 9 लिख दिया, डेबिट का टोटल क्रेडिट में, और ये सारी अमाउंट आप माइनस करोगे 15,000 12,000 5,000, सो आपका आंसर आएगा 28,000, जिसे हम यहाँ लिखेंगे 15 और 15 में हम लिखेंगे क्या बच्चों, तो बाय बैलेंस सीडी का मतलब बच्चों, बाय बैलेंस सीडी, तो बाय बैलेंस सीडी का मतलब बच्चों क्या होगा आपको पता है कि बैलेंस क्रेडिट होगा। अब ये 50 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्टनाइट पहले 15 दिन की बात चल रही है, तो 15 दिन एंड होंगे 15 अप्रैल को, इसके लिए मैंने लिखा 15 अप्रैल। अब हमें क्या करनी है, बैंक के डेबिट कॉलम की टोटल करनी है इसकी, सो आएगा आंसर 13,70,000। इसी को एक 13,70,000 को हम यहाँ लिख रहे हैं, और इसमें से सारी अमाउंट आपको माइनस कर देनी है, सो आंसर आएगा 10,02,967। और ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ में या कैश में 28,000 एंड बैंक में 10,02,967 टू बैलेंस बी ब्रॉट डाउन 2016 अप्रैल की जगह पर मे एंड डेट 1। इस तरह से हम करेंगे बच्चों कि हमारा बैलेंस ओके। तो बच्चों ये 3 कॉलम ना कैश बुक, तो यहाँ पर हमारा 3 कॉलम ना कैश बुक तक ही हमारे कोर्स में है, सो मैंने 3 कॉलम ना कैश बुक आपको करवा दिया। यहाँ पर आपका जो एक टॉपिक है लेसन नंबर 7 कैश बुक एंड टाइप्स, ये ओवर हो रहा है। नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 8 जनरल प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझाऊंगा, और इसके बाकी के सम जो है वो होमवर्क में आपको करने हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3
और जो इलस्ट्रेशन 7 था कंप्लीट हो रहा है और हमारा लेसन चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है बच्चों।